satellite which is at a height h from the surface of the earth completes one revolution of the earth in 90 minutes. If the radius of the earth itna and acceleration due to gravity 9.8, then find the value of h. तो देखिए यहाँ पे ये जो सैटेलाइट है ये पूरा अर्थ का चक्कर लगा रहा होगा एक काफी बड़े रेडियस पे, वो बड़ा रेडियस है r प्लस एच, और उस बड़े रेडियस पे उसका जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा टूवर्ड्स द सेंटर एम वी स्क्वायर बाई आर, छोटा r मैं बोल रहा हूँ, एम वी स्क्वायर बाई आर बैलेंस कौन कर रहा होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कर रहा होगा, या सेंट्रिपिटल अगर बोल रहे हैं तो बोलेंगे कि सेंट्रिपिटल फोर्स आ ही रहा है ग्रेविटी की वजह से. सेंट्रीफ्यूगल अगर बोलेंगे तो बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस अवे करे ले रहा है, कैंसल करे ले रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स को. तो दोनों ही सिचुएशन में आपकी इक्वेशन ये बनेगी एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर. याद रखिएगा यहाँ पे r इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो r इज इक्वल टू r प्लस h है, बाद में कर लेंगे, ठीक है. अच्छा तो अब यहाँ पे m मास ऑफ द सैटेलाइट है, बड़ा m मास ऑफ अर्थ है, v वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट है, और r रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, g आप जानते ही हैं. तो r कट गया, m कट गया. अब उसके बाद वेलोसिटी भी जो आ रही है वो क्या है, कैसी आ रही है, ये इस पूरे बड़े सर्कल में ये चल रहा है, तो वेलोसिटी किसकी वजह से आ रही होगी, क्योंकि ये 2πr ट्रेवल कर रहा है टाइम t में, और इसका भी स्क्वायर है ना. वेलोसिटी इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, ये कर रहे हैं हम लोग. और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से यहाँ आर स्क्वायर है और आर है, आर क्यूब टाइप का आ रहा है पूरा. हम लोग केपलर्स लॉ प्रूव ही करे दे रहे हैं यहाँ पे. तो 4π² 2 का स्क्वायर 4π² आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा आर क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम, ये बराबर हो गया टी स्क्वायर, टी को उस तरफ ले जाए, ठीक है. अब हमें एच निकालना है, तो ये मतलब काफी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी. जी एम टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4π², ठीक है. अब इस आर की जगह आप आर प्लस एच रख सकते हैं बाद में, अभी तो आप फिलहाल यही कैलकुलेट कर लीजिए. क्यूब रूट है ये, कई लोग ये फॉर्मूला मतलब ये स्टैंडर्ड भी है, ये फॉर्मूला याद भी कर सकते थे, और अगर नहीं याद कर पा रहे हैं तो डेरिवेशन भी देख लीजिए कितना छोटा है. सो दिस इज आर, अब इस आर की जगह आप डाल सकते हैं आर प्लस एच, और अब आप सारी वैल्यू यहां पे रखिए. अब हम लोग एक और रिलेशनशिप जानते हैं कि छोटा g इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर. यहां पे r जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है. ये जो रिलेशनशिप है ये ट्रू है जब g इज इक्वल टू 9.8 है. तो g इज इक्वल टू 9.8 हमें दिया भी हुआ है, तो उसको यूज करें, क्योंकि मास ऑफ अर्थ हमें नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ये करना पड़ेगा हम लोगों को. तो फिर से अपना रिलेशनशिप हो गया r प्लस एच इज इक्वल टू छोटा g r स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4π² जैसा ये है. ये सब की पावर 1/3. अब थोड़ा वैल्यू रखने का नाटक करते हैं, और इसमें आप जरा सा भी अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो आपका आंसर अलग आएगा. जैसे मैंने किया था कि पाई स्क्वायर और 9.8 को काट दिया जाए
तो हम लोग का आंसर मैच नहीं कर रहा था, मेरा आंसर 290 से थोड़ा ज्यादा आ रहा, 10 किलोमीटर से ज्यादा का एरर आ रहा था, तो वो नहीं चलेगा। तो हम लोग बस इसमें यही कर सकते हैं कि सब कुछ अलग अलग करके कम से कम 10 to the power को बाहर निकाल लें और फिर करने की कोशिश करें। चलो 6370 × 10³ +h, पूरा कैलकुलेटर से ही आपको करना पड़ेगा। 9.8 × 637, देखिए एक बार फिर उसका स्क्वायर, तो एक और बार, × 10³ और एक 4, तो ये 10⁴ हुआ, और उसका स्क्वायर किया तो 10⁸ हो गया। फिर उसके बाद 9 × 6 = 54 स्क्वायर है, तो एक और बार 54। 10 × 10 100, 100 का स्क्वायर 10,000, तो 10⁴ आ गया यहाँ पे, 4π². पाई की वैल्यू आप 3.14 रख सकते हैं यहाँ पर। और अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 10⁴ और 10⁸, ये दोनों जो लिखे हुए हैं, ये 10⁻² हो जाएगा और 1/3 से इंटरेक्ट करके ये कुछ आ जाएगा। पर ये दोनों चीजें, ये मतलब 3, 2, 5 चीजें आप आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर 4π² से डिवाइड करें, तो एक काफी बड़ा नंबर आएगा, और उस नंबर में भी आप हल्का सा भी अप्रोक्सीमेशन करेंगे फिर डेविएट हो जाएगा। तो इसलिए उसे पूरा ही लिखना पड़ेगा। 0.6 तक मैंने लिखा है, 1/3 की पावर अंदर ले ली, और तो 12 × 1/3 4 हो गया, तो इसलिए 10⁴ दिख रहा है वहां पे। अब उस बड़े से नंबर का क्यूब रूट किया तो 664.9 आया। इसे हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट करके। अब आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं कि आप इसे 665 × 10⁴ कर लें। लेकिन यार ये तो 10³ वाला है, तो इसका 1/10 इसको दे दो, तो ये हो जाएगा 637 × 10⁴ +h। ठीक है, अब यहां से आप h निकालोगे तो मतलब आ जाएगा अब 665 − 637 × 10⁴, है ना। अब तो हम लोग कर ही चुके हैं सब कुछ, काफी सरदर्दी थी यहाँ पे कैलकुलेशन में ही। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो बस भाई यही आंसर है आपका। ओके, तो इसका जो अंतर है वो 28 है, तो ये आ गया 28 × 10⁴ m। आप इसे लिख सकते हैं 280 × 10³ m, और आप इसे लिख सकते हैं 280 किलोमीटर। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि पूरे इंटरनेट में, चाहे कोई वेबसाइट हो या चाहे यूट्यूब हो, आपको इस तरह से करके कोई नहीं दिखाएगा। सब यहाँ के बाद ये लिख देंगे फटाफट से, ठीक है। एक दो जगह मैंने देखा तो उन लोगों ने तो ये फॉर्मूला ही गलत लगाया था, फिर भी उनका आंसर सही आ रहा था। मेरे पास वो पेज अभी खुला भी हुआ है, और ये जो है ये टॉपर आंसर जो करते हैं उन्होंने पेज में सॉल्व दिया है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, जहाँ पे उन्होंने गलत फॉर्मूला यूज करके सही आंसर निकाल लिया। तो थोड़ा यहाँ पे सरदर्दी तो है, लेकिन हम लोग एटलीस्ट कुछ सीख पाए, ये ज्यादा जरूरी है। खैर, तो h = 280 किलोमीटर।